सो हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग में। सो आज का ब्लॉग यहाँ करते हैं हम स्टार्ट बद्रीनाथ से जाएंगे अभी हम केदारनाथ। सो बद्रीनाथ से केदारनाथ के लिए यहाँ से करते हैं स्टार्ट। और पीछे व्यू देख लो, कुछ ऐसा है, सुंदर सा मौसम है, रेनकोट वगैरह पहन लिया, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ से केदारनाथ का ट्रैक हम स्टार्ट करते हैं। बाइक हमारी कॉल स्टार्ट हो चुकी है और हम अंदर पैकिंग वगैरह सारी हो गई है और ये रूम है। यहाँ से करते हैं बाय बाय, सीधा यहाँ से निकलेंगे केदारनाथ के लिए। चमोली से होके जाएंगे ना, बद्रीनाथ से चमोली बद्रीनाथ से चमोली जाएंगे वापस। फिर वहाँ से नीचे को रास्ता कटता है केदारनाथ के लिए। चलते हैं अब रास्ते पर, क्योंकि यहाँ यार कैमरा लगा नहीं पाऊँगा मैं अपने बाइक पर, क्यों यहाँ बारिश भी बहुत है और कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, बाइक थोड़ी चलाने में दिक्कत आएगी। सो सामान अपना पैक हो गया, हेलमेट वगैरह पहनते हैं, निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो आपको मिलते हैं आगे। तो भाई काफ़ी देर बाद जाम खुलने की उम्मीद आ रही है, देख सकते हो आगे बैरिकेड अभी भी हटाए नहीं, हो परली साइड से बंदे आने लगे हैं, देखते हैं पहाड़ हटाए कि नहीं, अभी जो पत्थर गिर रहे थे ऊपर से वो हटे हैं कि नहीं, देखते हैं। खुल गया भाई, खुल गया रास्ता, और निकलते हैं हम। बंद था यहाँ पे, देख सकते हो पत्थर तोड़ के फिर हटाए गए हैं ये यहाँ पे, ये शायद ये पत्थर यहाँ से, ये चट्टान गिर गई थी, ये मशीन लगी पड़ी है अभी भी तोड़ने में पत्थर। अब पीछे भीड़ देखो कितनी आ रही है, सो फ्रेंड्स अभी हम लोग 40 किलोमीटर बाइक चला के रुक चुके हैं। कैसा लग रहा है, हचक हचक रास्ता, गुडबू 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 रास्ता है, मजा आ रहा है बैठ के भाई। 40 किलोमीटर चला दिया, अभी लमसम में कितना रह गया होगा, 40 चला दिया मैंने, 40 चला दिया, 45 रह गया है, 45 किलोमीटर रह गया अभी भाई, चलते हैं खींचते हैं थोड़ा, और अगर कोई ढाबा देखता है बस सा तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो आगे जाएंगे सीधा। ठीक है चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी अपन खाना पीना खा लिया, अभी हम पता कहाँ पे हैं, अभी हमें चमोली से आगे आ चुके हैं 15 किलोमीटर। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूँ, अभी हम चमोली से अंदर 15 किलोमीटर अंदर आते हैं ना, खाना खाना खा लिया हमने, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, ओके
सोनप्रयाग के लिए, तो आगे मिलते हैं। अभी हम आए कहाँ, अपने रूम पर। हम पहुँच गए हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से आधा एक किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं सोनप्रयाग में। भाई रूम बहुत ज़्यादा महंगे हैं, पर बंदा 500 रुपये मांग रहा है, वो भी घटिया से घटिया रूम। और हमने यहाँ पे रूम ले लिया है 500 रुपये में, मस्त वाला। ये देखो ये है, और ये रे बेड, देख लो बेड, VIP बेड है यहाँ पे भाई, सब कुछ। और बढ़िया वाला रूम मिल गया हमें एकदम फिक्स है। हमारे रेनकोट वगैरह वहाँ सूख रहे हैं, बैग वगैरह हेलमेट वगैरह यहाँ पड़े हैं, इनको भी हम यहाँ टेबल पर रख देंगे। टेबल पे देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। पानी पीने पूने का सब कुछ है यहाँ पे। और सोने के लिए तो मस्त बेड लगा हुआ है ऐसा गुदगुद वाला, ठीक है। तो अभी चलते हैं नीचे कुछ खाने पीने, यार भूख लग रही है। जूते जाते हमने धो दिया, बड़े गंदे हो रहे थे। इतनी भाई इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, और गम मतलब कीचड़ कूचड़ बहुत है, खड्डा खड्डी, तो उसमें भाई जूते जाते हमारे। और हमारी बाइक ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो अभी चलते हैं नीचे कुछ खाते पीते हैं, आपको दिखाते हैं क्या खाते हैं, फिर सुबह करेंगे यात्रा की तैयारी, पैदल चलेंगे। सो अभी चलते हैं नीचे खाते पीते, देखते हैं क्या खाते पीते हैं और आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। और रूम तो हमें मस्त मिल गया भाई, सीजन में आऊँगा ना यही रूम आपको 4,000-5,000 में मिलेगा, पर अभी इस वक्त बड़ा सस्ता मिल चुका है हमें। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको नीचे। सो हेलो फ्रेंड्स, हो गई है सुबह, आप सबको गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग नहा धो के तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बैग वगैरह पैक हो गया है। और अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं, और हम 5 बजे उठ रखे हैं, नहा धो के अभी 6 बजे तक रेडी हो चुके हैं। और बारिश हो रही है बाहर, दबा के हम जा रहे हैं श्री केदारनाथ जी के पास, भोले बाबा के पास जा रहे हैं। पैदल ट्रैकिंग 22 किलोमीटर करेंगे। सो निकलते हैं रूम से, बाहर दिखाते हैं कैसे जा रहे हैं, क्या क्या है सब कुछ। चलते हैं रास्ते में, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे पार्किंग में बाइक लगा दिया, सोनप्रयाग के साइड, सोनप्रयाग जहाँ से यहाँ स्टार्ट होता है ना, वही जो साइड में वो पार्किंग आती है, पार्किंग में लगा दिया। बाइक की पार्किंग की टिकट और लॉकर बिल्कुल साथ में जस्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और हमने स्टिक ले लिया 25-25 रुपये की दोनों ने, भाई बहुत हिम्मत मिलेगी चढ़ने में। तो चलते हैं आगे, आगे दिखाते हैं भाई, वीडियो वगैरह बनाने दे रहे हैं नहीं, मैंने सुना है यहाँ पे मना कर दिया है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या अपडेट है। सो गाइस, हमने यहाँ से पीछे चाय वगैरह पी ली है, और अभी आगे का रास्ता पैदल तय कर रहे हैं। चलते हैं आगे, और पीछे मैं दिखाऊँ आपको व्यू, दो व्यू चेक करो, पानी कैसे बह रहा है। ये पहाड़ है, और ये ऊपर रास्ता जा रहा है सीधा पैदल पैदल पैदल, 22 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है। और आगे जाके हम यहाँ से गाड़ी भी ले सकते हैं 5 किलोमीटर तक, फिर आगे हमें 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अगर हम 22 किलोमीटर चल सकते हैं पैदल, तो पैदल भी जा सकते हैं, है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बनता है, क्या होता है, क्या नहीं, आगे की अपडेट आपको आगे मिलेगी। चलते हैं आगे। सो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं ऊपर, और यहाँ से केदारनाथ 16 किलोमीटर है, देख सकते हो 16 किलोमीटर ऊपर है अभी पैदल, और यहाँ से जाना है 16 किलोमीटर। हाँ हाँ, मज़ा आ गया चलते चलते, है मज़ा आ रहा है ना, फोन बिक गया भाई। गाड़ी वाले पीछे कहते हैं 7 किलोमीटर चल रहा है, तो इतना है नहीं, पैदल आया करो, पैसे बहुत लेते हैं पीछे। हम पहुँच गए यहाँ से, सिर्फ 16 किलोमीटर रह गया है, और वो भी चल देंगे, मजी मस्ती में है भाई। यार चल रहे हैं आगे, आगे मिलते हैं भाई।
ये मार्केट आ गया हमारे, आगे आगे चलते हैं, मार्केट वगैरह घूमते घूमते आगे आगे देखते हैं और आगे मिलते हैं। और बारिश, क्या मज़ेदार बारिश हो रही है, गर्मी लग नहीं रही तो मज़े से चल रहे हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ, धर्मा पीछे देख रहे हो, मैं जाऊँ सब चलेंगे मेरे छोड़ के, सब मैं कितना मस्त है पीछे। और अभी हम 2-3 किलोमीटर चढ़े हैं और हालत ख़राब हो चुकी है भाई, बहुत चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत आ गई यार, चढ़ा नहीं आ रहा आज यार, फोटो फाटो खिंचा लेते हैं फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, आज यात्रा करने हो चुकी है हमारी और हम लोग सो के आ गए। हमने यहाँ पे लिया था टेंट, टेंट हमें कुछ 300 रुपये का पड़ा था, बढ़िया टेंट मिल गया था 2 जनों को सोने के लिए। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब सी हो गई थी तो मैंने भाई दवाई दवाई ले लिया थी, दवाई वगैरह खा के अब सही हूँ बिल्कुल। चलते हैं महादेव के जी के पास। और पीछे देख रहे हो मेरे बर्फ़ कैसे पड़ी हुई है, वो देखो बर्फ़ देखो ऊपर, ये देखो ये चोटी पे दिख रही है, ये पूरी बर्फ़ से भरी हुई है, ये पूरी बर्फ़ से भर रखी है। और अभी हम यहाँ से चाय वगैरह पीते हैं और जो भी खाना पीना है चाय से पी के दवाई थोड़ी दवाई खा लेते हैं, दवाई खा के फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन है क्या है, चलते हैं आगे। सुबह से अभी हम यहाँ पे पियेंगे चाय और खाएंगे दवाई, थोड़ी हालत ख़राब हो गई हमारी, ये पता नहीं कैसा इंसान है, भागता ही जा रहा है पहाड़ों में उसे चलाई भी जा रहा भाई, बुखार चढ़ गया मेरे को। चलो कोई बात नहीं भाई, एक चीज़ यहाँ पे बढ़िया है कि दवाई यहाँ पे भाई फ्री मिलती है और बड़े अच्छे से देखभाल करते हैं, तो भाई मुझे डॉक्टर है यहाँ के, तो टेंशन तो नहीं है यार। मैं दवाई लेके आया था यार, सचिन भाई गया था दवाई लेने मेरी, और यहाँ चाय वगैरह पीते दवाई वगैरह खाते हैं फिर आगे चलते हैं, आगे भीड़ हो गई है बहुत, चलते हैं आगे देखते हैं क्या होता है। भाई अभी हम लग चुके हैं लाइन में, आगे देख रहे हो लाइन, और सामने मंदिर आ गए, ये लाइन देख रहे हो, मैं मेरे पीछे सचिन भाई है, लाइन में लग रहे हैं दोनों, और चल रहे हैं धीरे धीरे आगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है आगे मठा टेकने में, आगे मिलते हैं लाइन क्रॉस करते हैं, हमें प्रसाद अभी दिया नहीं, आगे देंगे प्रसाद, आगे चलते हैं और प्रसाद वगैरह लेते हैं फिर मठा टेकते हैं फिर मिलते हैं आपको। सो अभी हमने यहाँ पे कर लिए हैं दर्शन और मठा वगैरह टेक लिया, यहाँ पे प्रसाद ले लिया मैंने और दर्शन कर लिए, और मंदिर कहाँ आ गए, मेरा मंदिर यहाँ से हमने दर्शन कर लिए और हमने यहाँ दर्शन कर लिए, तो भी अभी आपको दिखाएंगे आगे भीमशिला पत्थर था जो वो दिखाते हैं, अभी आगे चलते हैं भीमशिला पत्थर। देखो अभी हम आ गए हैं भीमशिला के पास, ये रहा पीछे, ये है भीमशिला और पीछे ये ढक गया पूरा, अभी पीछे दिख रहा था पर्वत और उसमें पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हुआ था पीछे, अभी यहाँ पे ये सारा देख रहे हो बादल बादल छा गया है और ये सारा देख रहे हो कैसे बादल आ गया, ये मंदिर है और मंदिर के पीछे बिल्कुल ये रहा भीमशिला, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ये रहा देख रहे हो लोग फ़ोटो कैसे खिंचा रहे हैं, और अपना सचिन भाई किधर गया, हो रहा फ़ोन पे लगा हुआ है, यहाँ पे फ़ोटो फोटो कराते हैं फिर मिलते हैं आपको आगे, फ़ोटो फोटो करा लेते हैं ना फिर आगे मिलते हैं। केदारनाथ भाई चेक करो ये धुंध, बादल है, ओ बादल 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 चेक करो ये, और मज़ा आ रहा नीचे उतरने में ना, ऊपर चढ़ने में चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, नीचे तो हवा की तरह जा रही है, हवा की तरह सच में चल रहे हैं नीचे दबा के।
सो भाइयों, हमने कर लिए थे कल दर्शन सही से, और नीचे भी उतर आए थे। नीचे उतर आ रहे थे तो थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, पैर पूर में बहुत ज़्यादा दर्द था, और थोड़े से जैसे सिर जैसा घूम रहा था ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था। सो हमने ले लिया था रूम रात ही, और अभी 8:30 बज रहे होंगे और हम लोग उठ चुके हैं, तैयार मतलब फ्रेश फ्रूश हो चुके हैं बिल्कुल ही, बस कपड़े पहन के निकलने हैं आगे। सो आज का ब्लॉग मैं करूँगा यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी फिर बड़ी राइड पर, फिर ब्लॉगों में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।